डॉली के आने से आशा भवन में होगा तमाशा। आद्या ने अनुज और अनुपमा से मांगा क्या तोहफा। आशा भवन में की जाएगी गणपति पूजा। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट से खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के बारे में। अनुपमा लगातार टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। शो में लगातार आने वाले उतार चढ़ाव शो में दर्शकों को इसमें इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। शो का सोमवार का एपिसोड शुरू होगा एक सीन के साथ, जिसमें बच्चे और किंजल सभी मिलकर आशा भवन में गणपति पूजा की तैयारियां करवा रहे हैं। लीला भाभी वहां आ जाती हैं। सभी को इस पल का एंजॉय करने का बहुत मन है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें डर भी लग रहा है कि कहीं तोशु आकर कोई तमाशा ना कर दे। पूजा के दौरान जब किंजल कुछ सामान लेने के लिए आद्या को शाहनिवास भेजती है, तो पाखी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। आद्या के कान भरने की कोशिश करेगी पाखी, जबकि पाखी फिर एक बार आद्या के पास पहुंचेगी और उसकी मां के खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश करेगी। लेकिन अब छोटी समझ चुकी है कि उसकी मां गलत नहीं है, बल्कि खोट उन्हीं लोगों में है जो उसकी मां की बुराई करने में लगे रहते हैं। वो पाखी को जवाब देकर वहां से चली आती है और इसी बीच मीनू भी वहां पहुंचती है। पाखी जब मीनू को वहां देखती है, उसे सागर से मिलने वाली बात पर घेरने की कोशिश करती है, तो वहां पर पाखी को करा जवाब देकर पाखी वहां से निकल जाती है। पाखी खिसिया जाती है कि उसके पापा के जाने के बाद सबके पर निकल आए हैं, और वो सागर मीनू की फोटो अपने भाई को भेज देती है। इधर आशा भवन में गणपति पूजा शुरू हो गई है, तो उधर तोशु सागर और मीनू की फोटो डाल के डॉली को भेजती है। कार्यक्रम के दौरान डॉली वहां आ धमकेगी और अनुपमा को जमकर खरी खोटी सुनाएगी। वो कहेगी कि मीनू ने तुमसे अपनी माँ जैसा प्यार किया, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मामी तुम ही हो, तुम माँ नहीं बन सकती। अनुपमा को वहां खड़े सभी लोग समझाएंगे कि जरूर डॉली के किसी ने कान भरे। डॉली पूजा के पंडाल से घसीटते हुए मीनू को घर ले जाएगी और कहेगी कि उसे सब पता लग गया है। तभी मीनू कहेगी कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो सच पर नमक मिर्च लगाकर परोसने में यकीन रखते हैं। आशा भवन में पूजा के बाद जब अनुज और अनुपमा सभी को प्रसाद बांट रहे होंगे, तभी आद्या अपने मम्मी पापा से कुछ ऐसा मांगेगी जिसे सब चौंक जाएंगे। वह अनुज और अनुपमा का हाथ पकड़कर उनसे कहेगी कि आप दोनों फिर से शादी कर लें और एक साथ हो जाइए। वो कहेगी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने अपने पापा के लिए यही खुशी चुनी है। उसके पापा सिर्फ अनुपमा के साथ ही खुश रह सकते हैं। अनुज की शादी के लिए मान जाएगा, लेकिन अनुपमा हाँ नहीं कह पाएगी, क्योंकि उसने इसी बीच कई बार अनुज को अपनी बात से पलटते देखा है। अब देखना ये होगा कि क्या अनुपमा और अनुज साथ आ पाएंगे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।